मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर संघर्ष तेज हो गया है। किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन चुका है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में किसानों का आना लगातार जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल हुआ। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया। स्थानीय प्रदर्शनकारी सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हाईवे खाली करने की मांग की जा रही थी। दोनों गुटों में जारी संघर्ष और पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने भी स्थितियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। हालांकि इस बवाल के बीच कई लोगों और पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। इसी बवाल के बीच SHO अलीपुर पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला किया। पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आज सुबह ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। यहां पर तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए गए और तुरंत हाईवे खाली करने की मांग की गई। कल भी स्थानीय लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर धरने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने खुद को हिंदू सेना का बताया था और कहा था कि लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद गाजीपुर में भी स्थानीय लोग किसानों के धरने के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने उन्हें किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं बॉर्डर से, जहां पर भारी संख्या में किसानों का तो जमावड़ा है ही, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि अब कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत अब धरने पर अड़ गए हैं। तस्वीरें भी इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती, साथ ही वहां पर जो किसान प्रदर्शनकारी है, इसके अलावा स्थानीय प्रदर्शनकारी, आज दोनों ही पक्षों में जमकर जो है पत्थरबाजी की घटना हुई है। और इस पूरे बवाल के बीच ANB न्यूज भी कुछ सवाल करना चाहता है। आपको बता दें कि जिस तरह से यह आंदोलन हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं ANB न्यूज के सवाल कि आखिर किसान आंदोलन पर समाधान कब निकलेगा। इतने लंबे समय से यह आंदोलन चलता आ रहा है, अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आंदोलन अब और भी ज्यादा तेज होने वाला है। इसके अलावा सवाल ये कि आखिर और कितना लंबा ये घमासान चलने वाला है। किसान आंदोलन का आखिर भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लग रहा था कि अब किसान आंदोलन की आंच धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से संघर्ष तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसने अब तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्या किसान आंदोलन पर डंडा चलेगा, बातचीत की टेबल पर क्या एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार आ पाएंगे, किसानों को सरकार कैसे मना पाएगी, क्योंकि अब यह आंदोलन एक बार फिर से बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जैसा कि आप तस्वीरें भी सुबह से ANB न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज तो बवाल भी काफी हुआ है बॉर्डर पर। दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति आज पैदा हो गई। सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है, ऐसी जानकारी है कि यहां किसानों का विरोध करते हुए भीड़ एकत्रित हो गई, जिसने यहां पत्थरबाजी की और किसानों के टेंट उखाड़ दिए। और इसी बीच ANB न्यूज भी कई सवाल इस समय कर रहा है कि आखिर किसान आंदोलन पर समाधान कब निकलेगा, क्या आंदोलन एक बार फिर से तेज होगा, कितना लंबा ये घमासान चलेगा, किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्या किसान आंदोलन पर डंडा चलेगा, बातचीत की टेबल पर क्या सरकार और किसान एक बार फिर आ पाएंगे, आखिर किसानों को सरकार कैसे मनाएगी। तमाम सवाल इस समय सबके जहन में खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच ANB न्यूज के भी यही सवाल है कि किस तरह से सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाती है, क्या बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार आएगी। देखिए, सरकार अगर कहेगी, प्रशासन कहेगी चले जाओ, प्रशासन वैसे तो प्रशासन ने क्या, शासन ने, सरकार ने तो हमारे खिलाफ कानून भी बनाए हैं, उस कानून के खिलाफ तो हम बैठे ही हैं। और इस तरह के नोटिस अगर सरकार भेजेगी तो हम कोई घर चले तो जाएंगे नहीं। यहां आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक
ये तीनों कानून जो कुछ बनाए हैं वो वापस नहीं होंगे और एमएससी पे कानून नहीं बनेगा जब तक हमारा धरना यहाँ से खत्म नहीं होगा। नोटिस चाहे एक लगे, दो लगे, चार लगे, जितने मर्जी चले, शांतिपूर्वक धरना चलेगा। सरकार अगर चाहेगी गोली से उससे हमें उठाना चाहेगी, देखी जाएगी। देखो जी, सरकार के ये हथगड़े होते हैं कि नोटिस धारा 144 ऐसी चीज़ें लगानी कि जिससे कि पुलिस एक धारा 144 लगा लेती है, इन्होंने नोटिस दे दिया, हम इन नोटिसों को नहीं मानते, हम यहीं पर रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। ये देखिए, इन नोटिसों से धरने समाप्त नहीं हुआ करते कभी भी। नोटिस तो हम जब से अब बुढ़े हो गए इन नोटिसों को लेते लेते, लेकिन इनसे कभी धरने समाप्त नहीं हुए। धरने समाप्त होंगे बिल वापसी से और कानून हमारा बने एमएसपी पे, उसके बाद बातचीत से ये खत्म होगा। बातचीत करे सरकार हमसे। हम बिलासपुर से आए हैं, रामपुर से। और हाँ जी, नाम बताइए। नाम मेरा शीशा सिंह है और बिलासपुर से आए हैं। और जब से धरना शुरू है उस टाइम के हम पांचों आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मदर भी घर में मतलब लास्ट स्टेज पे है, तो घर से फोन आता है। हम कह रहे हैं नहीं, हमारे तीन भाई हैं और वो घर पे जो कार्यक्रम करना है वो ही करेंगे, हम तो यहाँ से धरना अपनी पूरी मांगे मनाकर फिर ही वापस जाएंगे। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ रामपाल जाट जो कि किसान नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामपाल जी, आपका रुख करना चाहेंगे। लग रहा था कि किसान आंदोलन की आंच धीमी हो गई है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू टर्निंग प्वाइंट बन गए हैं और अब एक बार फिर से संघर्ष तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रामपाल जी जी सर, ये किसानों का आंदोलन सफल होगा पहली बार, सरकार को अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा दूसरी बार, और ये आंदोलन दिनों दिन मजबूत होगा तीसरी बार। और जो भी किसान आंदोलन में है वे डटे हुए हैं, वे हटने वाले नहीं है। इसे किसानों के सत्याग्रह की जीत ये अवश्य होगी, अवश्यम भावी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कितने दिन में होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन जब भी होगी जीत किसानों के सत्याग्रह की होगी, सरकार की हक्की नहीं होगी, सरकार का हक वापस होगा, किसानों का सत्याग्रह आगे रहेगा। इसलिए अच्छा हो सरकार किसानों पर लाठी चलाने के बजाय जन कल्याण की दृष्टि से उनकी जो उपज है उनके दाम दिलाने का काम करे, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए और खेती का कॉरपोरेटीकरण करने वाले कानूनों की वापसी का रास्ता साफ करे। अब ये चाहे बातचीत के द्वारा करे चाहे बिना बातचीत करे, क्योंकि बिना बातचीत भी जब सरकार 5 जून को 3 कानून अध्यादेशों के माध्यम से ला सकती है, तो भाई वापसी में कौन सी बातचीत की जरूरत है? आप जो अध्यादेश ले आओ ना, और अब तो संसद चल रही है, तो आप विधेयक लाओ, संसद में पारित कराओ, कानून बन जाएंगे, तो आपको कहीं जोर ही नहीं आएगा। इसलिए सरकार की मंशा, सरकार की इच्छा, ये सही दिशा में होने की जरूरत है, आवश्यकता है। सरकार की आंखों से अहंकार की पट्टी हटे, और ये अहंकार की पट्टी हटाने के लिए ही किसानों का स्वयं को कष्ट देते हुए सत्याग्रह, अनेक किसान अपने परिवार सहित डटे हुए हैं, घर बार छोड़कर सड़क पर, चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, चाहे ओले गिर रहे हैं चाहे पाला गिर रहा है, चाहे बरसात उनके बिस्तर भीग रहे हैं, तो भी वो पीछे नहीं हटे, सभी प्रकार के कष्टों को सहन कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की जीत में कभी कोई संदेह नहीं रहता, ये सत्य के प्रति आग्रह, जीत तो अंत में सत्य की ही होनी है। पल्लवी, ठीक है। राजीव तिवारी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजीव, आपसे अपडेट चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर और महापंचायत को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है राजीव? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो जरूर कहीं ना कहीं डगमगाया जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें लाल किले की जो कहीं ना कहीं गरिमा थी वो गई है किसानों के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अंदर घुसकर जिस तरीके से तोड़फोड़ की है, लाल किले के ऊपर केसरी झंडा फहराया है, वो कहीं ना कहीं जरूर किसानों के ऊपर दाग जरूर लगा है। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर एक राजनीति पहलू किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जिन किसानों ने इस तरीके की घटना की है वो कहीं ना कहीं किसान नहीं है और वो किसानों के साथ
भी नहीं है, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण रैली निकाली है, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, जो तय बताए गए थे रूट उसका फॉलो किया है, मगर जिस तरीके से कल हमने जो गाजीपुर के अंदर देखा वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि जिस तरीके से दो संगठन जो थे किसानों के वो किसानों के साथ छोड़ के चले गए और कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए लगभग पुलिस फोर्स लगा दी गई, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर डगमगाई थी। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैया जो थे वो भी इसीलिए कहीं ना कहीं भावुक हुए थे और वो भी कहीं ना कहीं रोए जरूर थे इसीलिए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि सरकार के द्वारा अब कहीं ना कहीं जो उनका आंदोलन है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुका है। और इसीलिए कह सकते हैं राकेश टिकैया ने जनता से अपील की थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और कहीं ना कहीं जनता हमारे समर्थन के लिए आए, तो मगर जिस तरीके से समर्थन के लिए रात भर भी जिस तरीके से किसान वापस आए हैं वो कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ाया उससे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था उसको कहीं ना कहीं मजबूती जरूर मिली है। मगर जिस तरीके से आज की बात करें तो आज जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ किसान और दूसरी तरफ आम नागरिक जो जनता रहने वाली है यानी कि जो निवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब किसानों के सामने खड़े हो चुके हैं, और यहाँ तक कि जो पुलिस बल था वो भी कहीं ना कहीं पुलिस किसानों के सामने है, और लगभग जो तीनों के अंदर जो कैसे पत्थरबाजी हुई है या फिर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं तीनों के लिए कहीं ना कहीं सर्वसाधारण है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो किसान जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग कर रहे थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कहीं ना कहीं आगे ले जाकर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की बात की जा रही थी, मगर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है या ईंट पत्थरबाजी हुई है वो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला जरूर है, और किसानों की जो आवाज है वो किसानों को भी लगता है कि वो आवाज दबाई जा रही है। राजीव, बात तो ये है कि वहां पर स्थानीय प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे सिंघु बॉर्डर पर और किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई तो सरकार माफ कीजिएगा दिल्ली पुलिस को बीच में आना पड़ा, पुलिस को उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच तस्वीर तो ये भी आ रही है कि पुलिस वालों पर भी तलवारबाजी की कोशिश की गई, तलवार चलाने की कोशिश की गई। देखिए ये जानकारी हमारे पास भी आई है कि जिस तरीके से बात करेंगे पुलिस कर्मियों के ऊपर तलवार रखने की तो कहीं आज तलवार चलाने की तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर किसान हो, मगर जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने लगातार किसानों का जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस तिरंगे के अपमान को लेकर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हमने कल भी देखा था कि जिस तरीके गाजीपुर बॉर्डर पर भी कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे वो भी पहुंचे थे और किसानों का प्रदर्शन खत्म करने के लिए कहा गया था, आज भी जो सिंधु बॉर्डर पर देखने को मिला वो भी कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो शायद की जो आवाज है उसको बंद कराना चाहते हैं, सीधे सीधे कहें तो उनका प्रदर्शन खत्म कराना चाहते हैं, मगर किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी आवाज जो है वो सरकार के कान तक जा रही है, मगर सरकार कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर में जरूर आई थी वो, क्योंकि जो उन्होंने 1.5 साल के लिए कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात की थी वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि सरकार का जो किसानों का प्रेशर था वो सरकार के ऊपर नजर आ रहा था, मगर आप जो स्थिति जो बदली है यानी कि लाल किले के बाद में जो स्थिति बदली है 26 जनवरी की परेड के बाद में वो कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष जाने हैवी करता संसद भवन का घेराव करने के लिए कहा गया था और उसे वापस भी ले लिया गया था कुछ संगठनों के द्वारा, मगर अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि 1 फरवरी को किसान जो है वो मार्च करेंगे या नहीं करेंगे, मगर उसके लिए रणनीति जरूर बनाई जा रही है, मगर देखना होगा कि राकेश टिकैया बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है चाहे कोई भी संगठन पीछे हटे, मगर जिस तरीके से रात को भी हमने देखा था कि रात को जिस तरीके से राकेश टिकैया के खुद भाई थे जो वो कहीं ना कहीं जनता के साथ वापस आए और कहीं ना कहीं जो किसान जो आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा था गाजीपुर से वो कहीं ना कहीं दोबारा से कैसे खड़ा होता नजर आया। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, रामपाल जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना, और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, संघर्ष एक बार फिर से तेज हो गया है। जिस तरह से राकेश टिकैत भावुक हुए और मीडिया के सामने उन्होंने रोते हुए तमाम बातें रखी, उसी के बाद से देश भर का साथ एक बार फिर से उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। रामपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा राजीव तिवारी हमारे संवाददाता भी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल जी आपके पास आना चाहेंगे सर, लेकिन जो तस्वीरें हम ये भी देख रहे हैं दूसरी तरफ कि अब लोग उठ रहे हैं और किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आज भी सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग आए, वहां पर प्रदर्शन किया, बीते हुए कल में भी हमने ये तस्वीरें देखी कि लोग अब कह रहे हैं कि आप हाईवे खाली कीजिए। इसे किस तरह से देखा जाए, क्या लोग अब थक चुके हैं? हाईवे काफी समय से बंद हैं और लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। ये सही बात है कि हाईवे बंद होने से लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन इसकी किसानों को वेदना है। वो कोई उनको कष्ट देने के लिए नहीं बैठे हैं, वे तो स्वयं सत्याग्रह के रूप में वहां बैठे हैं, स्वयं को कष्ट दे रहे हैं। ऐसे जो स्थानीय व्यक्ति और स्थान है उनको आपस में समझ बनाने की जरूरत है कि खुद के दुख को पहाड़ के समान होते हुए भी राय के समान माने और दूसरे के दुख को राय का समान होते हुए पहाड़ का समान माने। तो ये जो भावना है, इस भावना से दोनों ही आपस में काम करेंगे तो ज्यादा बड़ी रहेगा। क्या माना जाए कि कब तक अभी ये आंदोलन चलने वाला है और जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, क्या उस स्थिति में दोनों पक्षों का एक बार फिर से वार्ता की टेबल पर होना संभव नजर आ रहा है? जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी रामपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर? हाँ जी पहुंच रही है सर। मेरा सवाल यह है कि क्या बातचीत के टेबल पर एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार आ पाएंगे, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं अभी हाल फिलहाल में? भावना तो सदैव रहती है अच्छी। ठीक है रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों और स्थानीय लोगों में आज संग्राम की स्थिति देखने को मिली है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी क्या कुछ रुख सरकार का भी नजर आ रहा है? हालांकि देखा जाए तो यूपी सरकार की ये पूरी कोशिश है कि ये पूरा जो इलाका है वो हर हाल में खाली करवा दिया जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार बिल्कुल चाहती है इसके आंदोलन को खत्म करवाना, और यहाँ तक कि ये जो सीमाएं हैं यानी कि यूपी से सटी हुई जितनी भी सीमाएं हैं उनको खाली कराने के लिए, ताकि आम जो निवासियों को दिक्कतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें खत्म होनी चाहिए। ये जनता भी चाहती है कि जो किसानों की मांग है उनको पूरा किया जाए या फिर उनको किसी भी तरीके से हटाया जाए, मगर ये नहीं चाहते कि किसानों की जो आवाज़ है वो दबाई जाए। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति बना रही है जो उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। मगर यही चीज हमने देखने को भी मिली थी, क्योंकि कल जिस तरीके से एकदम ये कह सकते हैं पुलिस फोर्स पहुंची थी गाजीपुर बॉर्डर पे भी, और कहीं ना कहीं जो किसानों से ये कहा गया कि आप जगह को खाली कीजिए, सार्वजनिक जगह है, इससे आप रोक नहीं सकते हैं। मगर दो महीने का ज्यादा समय हो चुका है, किसान भी यही चाहते हैं कि उन्हें किसी को दिक्कत नहीं देनी है, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करना है। मगर जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये भी राकेश टिकैत ने साफ भी कर दिया, बेशक उनके लिए कहा गया कि राकेश टिकैत
करते कि कहा गया कि आप गोली चलाना चाहें, यानी पुलिस अगर गोली चलाती है तो कहीं ना कहीं वो गोली खाने के लिए तैयार है, मगर कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेवार बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सुसाइड करूंगा और उसका जिम्मेवार सरकार होगी। मगर देखना है जिस तरीके से लगातार प्रक्रिया अपनाई जा रही है किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, वो दोहरी प्रक्रिया जरूर है, क्योंकि किसान चाहते हैं अभी भी किसी कानून को वापस करवाना है किसी भी कीमत पर, मगर सरकार चाहती है। लेकिन राजीव, आप देखिए, भले ही वहां पर एक बार फिर से किसानों का एकजुट होना शुरू हो गया हो, लेकिन जो कानूनी लड़ाई लड़नी है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, पूरा मामला चल रहा है, वहां पर पक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। चार किसान संगठन ऐसे हैं जो पहले ही अलग हो चुके हैं और उन्होंने लिखकर सरकार को बकायदा एक पत्र भी सौंप दिया है अपने समर्थन का, तो अब किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है इस मामले की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से किसान संगठनों के जो कह सकते हैं कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपने जो कदम है वो बैकफुट पे ले जा रहे हैं और कहने की पीछे जाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें राकेश सिकिदिया की या फिर योगेंद्र यादव की या फिर और संगठनों के नेताओं की, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो अभी इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे, मगर कितना लंबा खींच पाएंगे ये जरूर इसे देखना होगा। मगर जिस तरीके से बात करें अन्ना हजारे की, जो अन्ना हजारे का नाम भी आया कि वो सब किसानों के समर्थन में उतरने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो आगे आ रहे हैं, मगर देखना है कि अन्ना हजारे अगर किसानों के समर्थन में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बल मिलेगा, वो बल मिलेगा जो हमने अन्ना हजारे के यानी कि कहते हैं जो जो उस टाइम पे देखा था जब रामलीला मैदान के अंदर हुआ था। अगर अन्ना हजारे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है यानी कि जो उनका आंदोलन है वो बिल्कुल हल्का पड़ेगा। अगर अन्ना हजारे आ जाते हैं तो उनको किसानों को बहुत ज्यादा बल मिल जाएगा और सरकार शायद दोबारा से प्रेशर के अंदर आ जाए। मगर जिस तरीके से सरकार की बात करें, सरकार बिल्कुल साफ कर चुकी है वो किसी भी कीमत पर कृषि कानून को वापस नहीं करेंगे, यानी कि उसको स्थगित नहीं करेंगे, सिर्फ रोक सकते हैं। इसी के लिए प्रस्ताव भी दिया गया था कि 1.5 साल के लिए हम कृषि कानून को रोक देते हैं मगर इसे कैंसिल नहीं कर सकते। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, कल भी हमने देखा राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो नहीं जाएंगे और इसके लिए ही वो भूख हड़ताल पर भी थे और कहीं ना कहीं जो उनसे गांव से पानी लाके उनके भाई ने खुद उनको पिलाया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से किसान भी चाहते हैं उनका साथ देना। मगर किसान जिस तरीके से वापस आए थे वो जरूर बल मिला था राकेश टिकैत को भी और यहां तक किसान आंदोलन को भी, मगर जिस तरीके से संगठन कुछ वापस कर रहे हैं अपने आप को, जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं उसमें सिर्फ यही नजर आ रहा है सरकार का समर्थन देने की जगह वो कहीं ना कहीं किसान समर्थन दे तो शायद किसानों को बल मिलेगा। मगर अभी भी साफ है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा किसान हटने वाले नहीं है, मगर देखना है कि किस तरीके से किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच पाती है, क्योंकि बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट के अंदर आम बजट जब 1 फरवरी को पेश होगा तो सरकार किस तरीके से जनता के बारे में सोचती है। जी बिल्कुल, और अभी जैसा आपने कहा कि अभी ये भी पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो पाया है कि किसान संसद का कूच करेंगे या नहीं, लेकिन राजीव एक बात तो साफ है कि इस बार दिल्ली पुलिस और सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आएगी। 1 फरवरी बहुत ही अहम दिन है, तो ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि फिर से किसी तरह का कोई उपद्रव हो। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से जो उग्रता हमने 26 जनवरी पे देखी थी लाल किले के अंदर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उग्रता थी और कहीं ना कहीं उसको कैसे पूरे भारत का नाम जो है वो कहीं ना कहीं डुबोने का काम किया था। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की और केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और ना ही दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर लापरवाही नहीं होती तो लाल किले के अंदर तक शायद किसान नहीं जा पाते। मगर जिस तरीके से सुरक्षा के अंदर ढील बरती गई तो कहीं ना कहीं किसानों का जाना अंदर लाजमी था और कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की गई किसानों के द्वारा, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है जरूर है। मगर इसी तरीके से अब रणनीति अपनाई जा रही है किसानों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, कि कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी तीनों में से एक पहलू भी अगर ढील बरतता है तो कहीं ना कहीं रुख कुछ और हो जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार ये कोशिश रहेगी कि अब सरकार और दिल्ली पुलिस की भी कि किसी तरह की कोई ढील ना बरती जाए। इस बीच जानकारी तो ये साफ तौर पर मिल रही है राजीव की, तमाम अब राजनीतिक दलों का खुलकर समर्थन गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को मिल रहा है और मनीष सिसोदिया तो आज खुद वहां पर पहुंचे थे। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से आपका बात करें राजनीति पहलू की, यानी कि विपक्ष की, तो विपक्ष जरूर अब खुल के सामने आता जा रहा है, क्योंकि हमने जो 60 दिन के आंदोलन के अंदर देखा विपक्ष लगातार किसानों को साथ जरूर दे रहा था मगर उनका समर्थन देने के लिए वो आगे नहीं आ रहा था, सिर्फ सरकार से एक उम्मीद जता गुहार लगाई जा रही थी। मगर अब जिस तरीके से कल के जो आंदोलन के बाद हमने देखा, यानी गाजीपुर के बाद देखने को मिला सुबह, आज सुबह यानी कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वो पहुंचे और कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन करने के लिए कहा और
ये भी कहा कि हम आपकी आवाज के साथ साथ खड़े हैं और सरकार के साथ आवाज उठाएंगे कि सरकार इस कृषि कानून को वापस ले, क्योंकि तीनों ही कृषि कानून काले कानून बताए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से पार्टियां अब सामने आने लगी है, यहाँ तक कि कह सकते हैं आज संसद बजट सत्र के अंदर भी जो हमने देखने को मिला कि लगातार संजय सिंह भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, मगर लगातार कहीं ना कहीं आवाज जरूर उठनी शुरू हुई है और विपक्ष कहीं ना कहीं अब रणनीति बनाकर किसानों के समर्थन में आ रहा है और कहीं ना कहीं आवाज उठाने के साथ साथ सरकार को घेरने का काम भी कर रहा है। मगर देखना होगा सरकार को कितना घेर पाते हैं विपक्ष या फिर किसानों की जो आवाज है, यानी कि जो डेढ़ लगभग दो महीने से चल रही थी वो सरकार तक कितना असर डालती है। क्या अभी तक सरकार ने सिर्फ डेढ़ साल के लिए कानून को रोका है? जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर अब पूरे किसान आंदोलन का केंद्र बन चुका है और वहां पर अब एक साथ कई संख्या में जो है किसानों का आना शुरू हो चुका है। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार का इस पर क्या कुछ रुख रहता है और क्या सरकार पर दबाव बन पाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।